میرے پیارے استاد اور جو میرے سامنے یہ ننی سی بچیاں بیٹھی ہیں اگر तकरीर थी। एक्चुअली जो स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट है वो 1917 में हुआ है, तो आज 102 साल होने के बाद ये तकरीब आज मुनाकिद हुई, उसी सिलसिले में ये तकरीब थी। इसमें कौन कौन से गेस्ट आए थे? यहाँ ऑनरेबल गवर्नर के एडवाइज़र मिस्टर खुर्शीद अहमद गनाई थे,
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मिस्टर डॉक्टर जी एन इतू साहब थे और हमारे अपने एजुकेशन के डायरेक्टर मोहम्मद मलिक साहब थे, चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे और एक्स चेयरमैन बोस थे मिस्टर चरू साहब और भी एक्स स्टडीज थे और यहाँ की स्टूडेंट की फीमेल्स वो भी थी। अच्छा मैम, आज काफ़ी हिस्टोरिक डे है, अगर हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी सोपोर की बात करें, गर्ल्स हायर सेकेंडरी, क्या मैसेज है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, काफ़ी हिस्टोरिक ओकेजन होंगे आज? हिस्टोरिक ओकेजन के हवाले से मैं बात करूँगी कि लड़कों की तालीम कितनी इम्पोर्टेंट है, इस पर आप गवर्नमेंट भी कितने इकदाम ले रही है, जैसे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अनमोल बेटी, उसके हवाले से यही मैसेज देना चाहूँगी कि फार फ्लंग एरियाज में भी एजुकेशन को तरगीब देनी चाहिए, ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादा तौर लड़कियों की एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। मैम आपको क्या लगता है कैसा रिस्पॉन्स था बच्चों का? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, मैं आपको क्या बताऊँ, बच्चे कितने एक्साइटेड थे, पिछले डेढ़ महीने से वो तैयारी कर रहे थे, ऑल दो रमज़ान का महीना था उसमें भी ये तैयारी कर रहे थे। मेरे स्टाफ मेम्बरान इसमें ज़्यादा मेरे स्टाफ मेम्बरान को क्रेडिट चाहता है जिन्होंने हर प्रोग्राम का बारीकबीनी से नोट्स लिया था और आपने खुद देखा एडवाइज़र साहब ने कितनी तारीफें की स्कूल के प्रोग्राम के हवाले। कोई आखिर में आप मैसेज देना चाहूँगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमको इन फंक्शंस में आना चाहिए और मेरी गुजारिश होगी ज़्यादातर आवाम से, सोपोर के गयूर आवाम से कि उनको इन तकरीबात में आगे आना चाहिए और लड़कियों की एजुकेशन के हवाले से अपने बेहतरीन ख्याल से नवाजना चाहिए।